बैंकिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हमने पहले ले लिया, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उस पोर्शन को हमने पहले ले लिया है। बैंकिंग का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, बैंकिंग हिस्ट्री जो है वो उसमें कुछ समझने वाला नहीं है, उसमें बस नोट करने वाला है, आपको याद करने वाला है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मैंने सोचा कि चलो भाई मुझे आपको बताना चाहिए। तो बैंकिंग हिस्ट्री भारत में क्या थी, छोटा सा लेक्चर करेंगे, बस कहानी के तौर पर देखेंगे, चाहे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं एज आई सेड। तो बैंकिंग हिस्ट्री बेटा है क्या भारत में, मैं आपको बताऊं, जो मॉडर्न बैंकिंग है वो बहुत बाद में शुरू होती है, बट जो पुराने जमाने में जो बैंकिंग इस प्रकार से हुआ करती थी, तो पहले होता क्या था कि महाजन थे, साहूकार थे, वो लोग अपने हिसाब से पैसा देते थे, ब्याज पर अपने हिसाब से ब्याज लेते थे, और शोषण होता था लोगों का, एक्सप्लॉयटेशन इस हद तक था कि भाई अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा है तो आपसे ब्याज ज़्यादा लिया जाएगा, आपको ज़रूरत कम है तो आपसे ब्याज कम लिया जाएगा। और हम जानते हैं कि बहुत पुराना कहानी चली आ रही थी, और किसान और मजदूर बेचारे बड़े परेशान रहते थे इस चक्कर में। मॉडर्न बैंकिंग की बेटा हम बात करें तो मॉडर्न बैंकिंग शुरू होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। थोड़ा सा हिस्ट्री उस बात के लेकर चलते हैं। आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, तो चलो मैं एक छोटा सा नक्शा ऐसे तौर पर आपको समझाता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा इन द ईयर 1599 ये कंपनी फॉर्म हुई थी ब्रिटेन में, और इन द ईयर 1600 इन्होंने ब्रिटेन की महारानी से मोनोपोली का राइट लिया था भारत में काम करने का। दे सेड कि भैया इन इंडिया वी विल बी द ओनली कंपनी ऑफ ब्रिटेन विच विल वर्क इन इंडिया एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, तो हम लोग वहाँ काम करेंगे, तो भैया हमको मोनोपोली दीजिए वहाँ काम करने की आप लोग। और बस इतनी सी बात थी। तो वो लोग आए, जहांगीर के समय की बात है, वो लोग इंडिया आए और उन्होंने सूरत से काम शुरू किया, फिर उसके बाद मद्रास पहुंचे, मद्रास में अपना एक फोर्ट बनाया, फिर उसके बाद कलकत्ता की उन्होंने कुछ गांव खरीदे, फिर कलकत्ता को वहां पर उन्होंने स्टैब्लिश किया, वहां एक फोर्ट बनाया, और उसके बाद बक्सर का वॉर होता है, एंड बॉक्स वॉर ऑफ प्लासी पहले होता है, बक्सर बाद में होता है, और उसके बाद ये अंदर इस तरफ से इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। वो हिस्ट्री की बात है, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको। तो धीरे धीरे करके वो लोग इंडिया के अंदर एंटर करते रहे, और यहां से उन्होंने एंटर करना शुरू किया। ये वो समय था बेटा जब मुगल डायनेस्टी अपने पीक से अपने डिक्लाइन की ओर चल रही थी, और ब्रिटिशर्स बढ़ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई वुड से, ब्रिटिशर्स शुरू में नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी थी, ब्रिटिशर्स तो आते हैं बेटा 1858 में आते हैं, उससे पहले तो वो कंपनी वॉज रूलिंग इन इंडिया। तो द पॉइंट इज कि औरंगजेब के बाद ही मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो गया था बेटा, तो उसका डिक्लाइन और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइज हो रहा था, तो उसकी वजह से धीरे 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 करके जो कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी, जो काम करने के लिए आई थी, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई, और कुछ क्षेत्रों पर वो अपने हिसाब से काम करने लगी। तो वो जिन क्षेत्रों में अपना अधिकार बना लेते थे और जहां पर ज्यादा अपना प्रभाव जमा लेते थे, उस क्षेत्र को बेटा, वो तीन बड़े क्षेत्र थे जिसमें शुरू में उन्होंने ये काम किया। एक क्षेत्र तो ये था, बड़ा सा क्षेत्र था, एक ये था, सॉरी, एक इधर था, इसको बोलते थे बंगाल, इट वॉज बंगाल प्रेसिडेंसी, उसको प्रेसिडेंसी बोला करते थे बेटा वो लोग, प्रेसिडेंसी, इट वॉज मद्रास प्रेसिडेंसी एंड दिस वॉज बॉम्बे या बंबई प्रेसिडेंसी आई वुड से, ठीक है। और हर जगह पर एक एक गवर्नर हुआ करता था, इसको बाद में गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, इन 1773 बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है, और वो पॉलिटिकल मामला एक एंगल अलग है, जीएस में सारे एंगल ना एक साथ कोरिलेट करके चलने पड़ते हैं हमको, खैर वो सब चीजें हम फिर कभी देखेंगे। तो हम बैंक तक ही अपने आप को अभी फोकस रखते हैं बेटा। बैंकिंग की जो शुरुआत होती है भारत में, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ में एक कॉन्सेप्ट लेकर आई जिसको बोलते थे एजेंसी हाउस या एजेंसी गृह हिंदी में अगर इसको बोले तो। बेटा एजेंसी हाउस का काम क्या था, ये डिपार्टमेंट था एक ईस्ट इंडिया कंपनी का आई वुड से, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरतों को पूरा करता था, और उसके लिए उधार लेता था लोगों को, कुछ समय तक उधार दिया भी इसने। शुरुआत आप कह सकते हैं इससे थोड़ा सा हुआ, मॉडर्न बैंकिंग जिस तरह से काम करती है, तो शुरुआती तौर पर ये काम करने लगे, बट एक कंपनी के लिए काम करते थे, तो उन्हीं के लिए प्राइमरीली बैंक का काम उन्हीं के लिए करते थे, जनता से कुछ पैसा वैसा ये अपने जमा करवा लेते थे, कभी कभी बीच में ऐसा भी हुआ कि उधार देना शुरू किया बट फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया, ऐसा भी कुछ हुआ। बट
इसी बीच इन द ईयर 1770 भारत के अंदर बेटा एक बैंक आती है जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान. बैंक ऑफ हिंदुस्तान इट वॉज द फर्स्ट फुल फ्लेश्ड बैंक ऑफ इंडिया जो मॉडर्न बैंकिंग के आधार पर अपना काम करती थी. एक कंपनी थी इसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी. नोट कर लीजिएगा इसको, अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी उसने इसको स्टार्ट किया था इन इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान. बट नई चीज थी और जब भी कोई नई चीज आती है तो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है लोगों के लिए. तो लोगों ने इसको समझ नहीं पाया, बोले आप पैसा जमा करेंगे फिर मिलेगा क्या होगा, लेके भाग जाएंगे क्या होगा, आई डोंट नो. छोड़ो भाई छोड़ो भैया, उसको इसमें जमा नहीं करेंगे. तो किसी भी बैंक में जब पैसा जमा नहीं होगा तो अल्टीमेटली बेटा उसको अपना बुरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जाना पड़ेगा और वो बेचारे चले गए. कुछ ही समय में ये बैंक बंद हो गई. तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज दी फर्स्ट बैंक इन इंडिया. अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे. और इसके बाद जब ये बंद हो गई तो धीरे धीरे करके इंडिया की इकोनॉमी तो डेवलप कर ही रही थी. इंडिया की इकोनॉमी डेवलप कर रही है. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है. तो बोले बैंक तो चाहिए होगा भाई, तो बैंक चाहिए होगा. तो कुछ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ने कुछ बैंकें खोली. लेकिन प्राइवेट स्टेक होल्डर के पैसे के अलावा सरकार का भी कुछ पैसा था उसमें. आपको शायद पता हो, मैं आपको बता देता हूं कि 1813 वॉज द ईयर जब मोनोपोली ब्रिटिशर्स की खत्म हो जाती है इंडिया के अंदर. ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडिया में खत्म हो जाती है और बाकी कंपनीज भी यहां पर काम करने लगती हैं. और इसी दौरान कुछ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ने अपने काम करने शुरू किए थे. बट जो बैंक उस समय खुली उनमें सरकार का पैसा भी था, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंट्रोल सरकार का उस पर होता था. तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक बेटा शुरुआत में खोली गई. एक बैंक यहां खोली गई, इसको बोला गया बैंक ऑफ बंगाल. ये खोली गई बेटा 1806 में. ईयर से याद रखिएगा, कभी कभी क्रम लगाने का पूछ लेता है, पहले कौन सी दूसरी कौन सी, ऐसे करके कर सकता है. उसके बाद इन द ईयर 1840 खोली गई बैंक ऑफ बॉम्बे. बस कहानी सुनिएगा, समझने वाला कुछ नहीं इसमें. और उसके अलावा बैंक ऑफ मद्रास, इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1843 में इसको शुरू किया गया. इन तीनों को प्रेसिडेंसी बैंक बोला गया. क्या बोला गया बच्चों? प्रेसिडेंसी बैंक इन तीनों को बोला गया. बैंक ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास. ठीक है जी. और ये अपना काम करने लगी और भारत में पहली बार इन्होंने 6 महीने तक के लिए भारतीयों को उधार देना शुरू कर दिया. हालांकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के संग में काम करते थे, किसी भी जमीन को गिरवी रख के पैसा नहीं दे सकते थे, ये रिस्ट्रिक्शन थी इनकी. कुछ समय के लिए इनको ऐसा भी कहा गया कि ठीक है आप पैसा भी छापो, कागज के नोट छापो आप. बट बाद में उस राइट को वापस विड्रॉ कर लिया गया था, वो फिर ब्रिटेन से ही वो सब कंट्रोल होता था. तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तीन बैंक खुली और काफी हद तक भारत में काम करने लगी. लेकिन ये तीन बैंक भारत का काम संभाल नहीं पा रही थी और बैंकों की जरूरत थी. लेकिन बैंक बच्चों कोई छोटी सी दुकान तो है नहीं, कोई कोचिंग तो है नहीं, कोई भी खोल ले, है कि नहीं, वो तो कोई भी खोल लेता है. पैसा बहुत चाहिए इसके खोलने के लिए. और वो पैसा खोलने के लिए भाई एक आदमी के पास इतना पैसा होना मुश्किल है. तो क्या हुआ, इन द ईयर 1860 एक एक्ट इंडिया में आया विच वॉज ज्वाइंट कैपिटल कंपनी एक्ट. इसके द्वारा क्या हुआ कि भाई अगर आप चाहें तो ज्वाइंट कैपिटल करके भी, मतलब साझेदारी करके भी, पार्टनरशिप करके भी कोई नई कंपनी को खोल सकते हैं. दैट वाज द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. जब ये एक्ट आता है तो इसके बाद बेटा कई सारे लोगों ने मिल मिलकर बैंकें खोलना शुरू किया. और वो जो बैंकें खुली, वो नॉन प्रेसिडेंसी जो बैंकिंग खुली, वो कौन कौन सी थी, एक बार उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. मैं बीच में मिटाता चलता हूँ, आई होप आप नोट करते हुए चल रहे हैं और वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं. बल्कि मैं इसको भी मिटाई देता हूँ. सो इसके बाद बेटा कई सारी बैंकें खुलना शुरू हुई. और जो पहली बैंक इस बारे में थी वो थी, जो पहली बैंक इस बारे में थी विच वॉज बैंक ऑफ अलाहाबाद. अलाहाबाद बैंक वॉज द फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंशियल बैंक इन इंडिया. इस बात को याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंसी बैंकें थी कौन कौन से थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास. ठीक है जी,
ये प्रेसिडेंसी बैंक की थी। इसके अलावा जो फर्स्ट बैंक विच वॉज ओपन वॉज बैंक ऑफ इलाहाबाद, इसका ईयर लेट मी सी ईयर वॉज 1865। कभी एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए तो ये रिवर पूछ सकता है आपसे, तो याद रख लीजिएगा। इसके बाद कई और बैंकें भी खुलती रहीं, बैंकों की बाढ़ सी आ गई, बहुत सी बैंकें खुली। दो बैंकें और हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं इस बारे में। एक अवध कमर्शियल बैंक खुली बीच में बेटा, अवध कमर्शियल बैंक। इस बैंक के बारे में खास बात यह है कि इट वॉज द फर्स्ट बैंक जिसमें जिसको कि भारतीय संभालते थे, तो इट वॉज द फर्स्ट बैंक विच वॉज टेकन केयर बाय द इंडियंस। इसमें स्टेक होल्डर्स कुछ भारतीय भी थे, बट इट वॉज नॉट अ 100% इंडियन बैंक, बट इसको संभालते भारतीय ही थे। तो इस मामले में इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। लेकिन इसके बाद वो समय आता है जब एक ऐसा बैंक बनता है जिसमें सारा पैसा सिर्फ इंडियंस का लगा था, मतलब कोई बाहर का पैसा नहीं आएगा, सिर्फ इंडियंस एक पैसा लगाएंगे। लाला लाजपत राय के इनिशिएशन से ये सब बैंकें शुरू हुई थी और इस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक इन द ईयर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बनी, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक जिसमें पूरी तरह से इंडिया का पैसा लगा हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। और धीरे 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 करके ये बैंकें बढ़ती रहीं और सब काम बड़ा अच्छा चलने लगा। लेकिन आप समझिए यहाँ पर एक समस्या होने लगी। अभी तक आपने मॉनेटरी पॉलिसी में समझा था कि जो बैंक होती है वो काम कैसे करती है, कि ये मैं हूं और ये रिलायंस है, मैंने 100 रुपये बैंक में जमा किए और बैंक इसमें से कुछ पैसा रिलायंस को दे देती है, कुछ पैसा अपने पास रिजर्व भी रखती है, वो 20 रुपये 25 रुपये रिजर्व रखती है। क्यों रखती है रिजर्व? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पैसा मांगने आ जाऊं तो उसके लिए उसके पास क्राइसिस से निपटने के लिए पैसा होना चाहिए। तो सारा पैसा यहां पर रिलायंस को उधार नहीं देगी, 75 या 80 रुपये उधार दे देगी, बल्कि आज की रेट में पूरा मिला के चले तो ये हाँ ठीक है, इतना ही रहता है, 20 से 25% रहता है। तो आप समझिए ये जो 20 से 25% पैसा बैंक अपने पास रख रही है, इस पैसे पर कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा बैंक को। तो आज की डेट में क्यों रखती है पैसा? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि भैया सीआरआर और एसएलआर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए रखती है। उस समय कोई आरबीआई नहीं, उस समय कोई ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं थी जो बैंकों को कहे कि भैया ये पैसा बचा के रखो, लेकिन फिर भी बैंकें जानती थी इस बात को और वो बचा के रखते थे। पर जब बढ़िया काम चलता था तो इसको लगातार कम करते चले जाते थे, 5%, 7%, 8% बचा के रख रहे हैं, बाकी सब लोन दिए जा रहे हैं। काम भी अच्छा चल रहा है और जब समय अच्छा चलता है तो सब कुछ बढ़िया चलता है। तो समय का पहिया अच्छा चल रहा था, और समय का पहिया ऐसा है कि एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे चलता ही चलता है। अच्छा समय है तो बुरा समय आने वाला है, और बुरा समय है तो घबराना नहीं, अच्छा समय ऑन द वे है, आएगा। और ये चक्र की तरह सबके जीवन में ये चीज चलता है। बैंकों के जीवन में भी ये चल रहा था कि भैया बड़ी सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद 1914 में क्या हुआ बेटा इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया भैया। और जब भी दुनिया में लड़ाई होती है तो दुनिया में बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट वो सब बर्बाद हो जाता है। और दुनिया में लड़ाई हुई तो दुनिया के अंदर पैसे की कमी हो गई, और जब पैसे की कमी हो गई तो लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और बैंकों ने कहा सर मेरे पास तो बहुत कम पैसा बचा हुआ है क्योंकि मैंने तो बाकी सारा उधार दे दिया है, और निकालने वाले बहुत ज्यादा आ गए, जमा करने वाले ना के बराबर आ रहे थे। तो बैंकें क्या हुई, बंद होना शुरू हो गई। तो बेटा लाइन लगा के सैकड़ों की तादाद में बैंकें बंद होना शुरू हो गई, लगातार ठक 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 बैंकें बंद हो रही हैं। अच्छा यहां पर मतलब इसके अलावा एक बात मेरे दिमाग में आई तो आपको बता देता हूं। आज के डेट में आपका जो बैंक में पैसा है क्या वो सेफ है? क्या आपने जो पैसा रखा वो सेफ है? आपको सर आरबीआई की गारंटी है बिल्कुल सेफ है? नहीं बेटा, पूरा पैसा सेफ नहीं है, क्योंकि अभी ये खबरों में रहा था इसलिए आपको बता रहा हूं। आपने जो भी पैसा बैंकों में रखा है 1,00,000 रुपए तक की गारंटी आरबीआई की होती है कि अगर आप मान लीजिए वो बैंक बंद हो जाती है, बैंक डूब जाती है, और आपने अगर 1,00,000 रुपए रखा है उसमें तो 1,00,000 रुपए आपको वापस मिल जाएगा। आपने 10,00,000 रुपए रखा है तो बेटा आपको 1,00,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि आरबीआई की गारंटी कितनी है 1,00,000 रुपए की। आपने 10,000 रुपए रखा है तो 10,000 मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि 1,00,000 मिल जाएगा, फिर जितना रखा है उतना ही मिलेगा, या मैक्सिमम कितना मिलेगा 1,00,000 रुपए मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा उस समय कोई आरबीआई फेर भी नहीं थी तो बेचारे बहुत लोग बर्बाद हो गए इस चक्कर में। खैर फिर वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ दोबारा से ठीक ठाक समय आने लगा, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा डाइसी हो चुकी थी, कई सारे बैंक बंद हो रहे थे। और ये जो प्रेसिडेंसी बैंक मैंने आपको बताए थे तीनों, ये बता प्रेसिडेंसी बैंकों के ऊपर भी तलवार लटकने लगी कि भाई ये भी बंद हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या कहा, भैया चलो इनको बचाओ, और इनको बचाने के लिए क्या करो, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दो। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी बैंक? बैंक ऑफ बंगाल, इट इज नॉट बैंक ऑफ बड़ौदा है, इट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो सब इनको मिला करके एक नई बैंक बनाओ, और इन द ईयर 1921
इनको मिलाकर बच्चों एक नई बैंक बनाई गई एंड दैट इज कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक बड़ी बैंक बन गई, संभाल लिया अपने आप को और चीजें सही चलने लगी। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और दोबारा से समय का पहिया घूमा और फिर से काम अच्छा शुरू होने लगा, फिर नई बैंकें खुलने लगी, फिर अच्छा काम करने लगा। लेकिन अगला जो खराब समय था थोड़ा जल्दी आ गया। याद कीजिए इकोनॉमिक लेक्चर में हमने पढ़ा था तीसा की मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s। 1929 में बच्चों क्या हुआ, इन द ईयर 1929 क्या होता है, यूएसए से एक बहुत बड़ी मंदी शुरू होती है, इतिहास की सबसे बड़ी मंदियों में से एक है वो। मतलब दो ही मंदी आई है इनफैक्ट इतिहास में, एक तो 1929 की है जो सॉरी 1929 से 1934 तक चली, इसको बोलते हैं हिंदी में कहते हैं इसको तीसा की मंदी। तीसा मतलब 30 से लिया गया है बेटा, ये तीसा की मंदी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s। ये यूएसए से स्टार्ट हुई, ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं कभी कभी एग्जाम में, कहां से स्टार्ट हुई थी ये मंदी, क्या हुआ था। यहां से मंदी स्टार्ट हो गई और मंदी स्टार्ट हो गई तो दोबारा से रिसेशन की वजह से दुनिया भर में पैसे की कमी होने लगी और दोबारा से बैंकों से लोग पैसा निकालने लगे और बैंकें बेचारी दोबारा से एक बार फिर से बैंकें क्या होने लगी, बंद होने लगी। जब दोबारा से बैंकें बंद होने लगी तो फिर बड़ी समस्या, अब ब्रिटिश सरकार कह रही है यार बैंकें बंद क्यों हो रही हैं, कि समस्या क्या है। तो लोगों ने समझाया, बोले सर वही समस्या है कि बैंकें जो हुए हैं अपने पास रिजर्व कम रख रही हैं, सारा लोन में दे देती हैं, थोड़ा सा रिजर्व रखती हैं, तो कभी कोई क्राइसिस का समय आता है तो उनके पास पैसा देने के लिए बचता नहीं है। तो कोई बताता नहीं है इनको क्या करना है कैसे करना है। बोले अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं है सर जो इनको बताए, थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान देते हैं बट कोई ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बोले अच्छा ऐसा है, ठीक है तो बनाओ ऑर्गेनाइजेशन एक। तो जैसे ही तीसा की मंदी खत्म होती है इन द ईयर 1934, उसी साल इंडिया में एक एक्ट आता है बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, विच वॉज आरबीआई एक्ट 1934। देखो बेटा जिस साल एक्ट बनता है उसी साल के नाम से उसको हमेशा जाना जाता है, आरबीआई एक्ट आज भी 1934 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बट आरबीआई वॉज नॉट फाउंडेड इन द ईयर 1934, 1934 में एक एक्ट बना कि यस वी शैल एस्टैब्लिश आरबीआई, एंड ऑन विच ईयर आरबीआई वॉज फॉर्म्ड, आरबीआई वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1935। इस बात को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आरबीआई एक्ट 1934 है और आरबीआई की फाउंडेशन, आरबीआई की स्थापना कब होती है बेटा, आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं याद रट्टा मारना पड़ेगा इसमें ना, ठीक है। तो आरबीआई बन गई भाई साहब, आरबीआई बन गई 1935 में, तीसा की मंदी भी खत्म हो गई और बैंकों के लिए अच्छा काम चलने लगा, अच्छा काम चलने लगा। और इसके बाद अच्छा ही चला, कुछ ऐसा कुछ खास गड़बड़ हुआ नहीं, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। और इसी दौरान भारत क्या हो गया बच्चों, भारत हो गया आजाद। जब भारत आजाद हो जाता है तो मैं आपको पहले के लेक्चर में बता चुका हूं कि भारत में शुरुआत में कुछ समाजवाद की तरफ हमारा झुकाव था, तो हम चाहते थे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कम से कम हो बट ज्यादा से ज्यादा हम सब कुछ सरकारी रखें ताकि समाज के हर वर्ग में हम लोग इक्वली पैसे का, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। और हमने वही किया, हमने रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ज्यादातर चीजों को राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया बेटा, राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन करना शुरू किया। अभी नेशनलाइजेशन क्या होता है, लेट अस सी दैट आल्सो। नेशनलाइजेशन को मतलब होता है बेटा कि सरकार जब कोई चीज को खरीद ले तो आप उसे कहेंगे उसका नेशनलाइजेशन हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक किसी की दुकान है, पप्पू जनरल स्टोर है, पप्पू जनरल स्टोर को अगर सरकार खरीद लेती है, क्या कहती है भाई अब ये आप ये हमको दे दीजिए, तो मैं कहूंगा पप्पू जनरल स्टोर का राष्ट्रीयकरण हो गया। आरबीआई इससे पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट संस्था थी, तो आरबीआई को और ज्यादा पावर देने के लिए और आरबीआई को अपने कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने क्या किया, इन द ईयर 1949 आरबीआई का क्या कर दिया गया बच्चों, आरबीआई का कर गया राष्ट्रीयकरण, ठीक है जी। मतलब आरबीआई को सरकार ने खरीद लिया, ऐसे मान के चलिए आप। और बैंकिंग एक्ट पारित किया गया इन द सेम ईयर, बैंकिंग एक्ट 1949।
आज भी बैंकिंग के लिए एक्ट बेटा यही यूज होता है, बैंकिंग एक्ट 1949 में आया, और इस एक्ट के अंदर आरबीआई को यह पावर दी गई कि आरबीआई कैन रेगुलेट द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ठीक है जी, बैंक अभी प्राइवेट है, 1949 की बात करो, बैंक अभी प्राइवेट है, बैंक अभी सरकारी नहीं बनी है, अब उनको करने की बारी धीरे धीरे करके आएगी। तो 1949 में बैंकिंग एक्ट आ गया और आरबीआई का क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण उसका कर दिया गया। अब क्या होता है बच्चों, अब इन द ईयर 1955 सरकार कहती है कि भैया इसको और मैं राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, और इन द ईयर 1955 इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर नेशनलाइज्ड एंड बिकेम अ न्यू बैंक SBI। क्या नाम हो गया बेटा इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया। वही प्रेसिडेंसी बैंक जो 1921 में बन गई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अब 1955 में क्या बन चुकी है बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुकी है। और इसके साथ में इसके शुरू में 8 थे, मतलब उसका 7 रह गए थे, 7 सबऑर्डिनेट बैंक भी बेटा जोड़े गए, सबऑर्डिनेट बैंक भी इसके जोड़े गए। और वो सबऑर्डिनेट बैंक इसके बेटा 7 कौन कौन से थे, आप चाहो तो उसको लिख लो, एक बार नोट कर लो, जब सारी चीजें आप नोट कर ही रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, क्योंकि कुछ खबरों में रहा है अभी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी नोट कराऊंगा आपको क्या खबरों में रहा है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, नंबर 5 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, नंबर 6 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और नंबर 7 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये जो एसोसिएट बैंक हैं, सॉरी सबऑर्डिनेट नहीं, इनको एसोसिएट बैंक बोलते हैं, इट्स नॉट सबऑर्डिनेट, इट इज एसोसिएट बैंक। तो एसबीआई के बेटा जो 7 ये जो एसोसिएट बैंक हैं, इसमें से 2 बैंक, एक तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये 2009 में इसको मर्ज कर दिया था एसबीआई के साथ में, नोट कर लीजिएगा, 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर वाज मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है वो उससे एक साल पहले, दैट मींस 2008 में ही एसबीआई के साथ में मर्ज कर दिया था। तो अभी तक कितने बैंक रह गए थे, 5 में से 2 और कम हो गए, तो 7 में से 2 और कम हो गए, तो 5 एसोसिएट बैंक एसबीआई के रह गए थे। इन द ईयर 2017, मतलब लास्ट ईयर ही अभी, इन द ईयर 2017 एसबीआई के साथ में जो 5 बचे हुए बैंक थे इनको भी मर्ज कर दिया गया, प्लस जो भारतीय महिला बैंक के खुला था, आपको याद हो भारतीय महिला बैंक वॉज स्टार्टेड, अनंत उषा अनंत सुब्रमण्यम उसकी चेयरपर्सन बनी थी, तो उसको भी एसबीआई में मिला दिया गया, 5 ये, और भारतीय महिला बैंक वॉज ऑल्सो मर्ज्ड विद एसबीआई, और नाउ एसबीआई इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि वो पहले भी बड़ी बैंक थी, लेकिन अब दुनिया की टॉप 50 बैंकों में उसका नाम आने लगा है, जो पहले नहीं आता था। ठीक है, तो ये बड़ा काम पिछले साल हुआ था, तो आई थॉट चलो मैंने कहा बता देते हैं। ठीक है भाई, तो एसबीआई जो है उसको नेशनलाइजेशन हो गया। अब कहानी आगे चलती है, कहानी जब आगे चलती है तो हालांकि इसका बड़ा विरोध हुआ था, लेट मी टेल यू, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार को लगा कि चलो भाई बैंकों को प्राइवेट करते हैं, बैंकों को सरकारी बनाते, सॉरी प्राइवेट बैंक जो उनको सरकारी बनाते हैं, काफी विरोध हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई सरकारी बैंक अगर आप बना देंगे तो आप अपने हिसाब से उनमें काम करवाएंगे, आप के हिसाब से बैंक चला करेंगे, तो दैट वुड नॉट बी गुड फॉर द इकोनॉमी। बट इंदिरा गांधी ने इसका डिसीजन लिया और उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि 14 ऐसी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दो जिनके पास टोटल जमा पूंजी 200 करोड़ है उससे अधिक है। शी सेड दैट those 14 banks will be nationalized which have the total capital of 200 crores or more. तो ऐसे जो इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, इट इज नॉट 200 करोड़, इट इज 50 करोड़। ऐसे 14 बैंक जिनकी जो कैपिटल थी वो 14 करोड़ से अधिक थी उनका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। और वो कौन कौन से 14 बैंक थे आप नोट कर लीजिए इसको बेटा,
आरबीआई और बैंक के एग्जाम में सब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में तो नहीं आएगा, बट फिर भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो वो कौन से बैंक थे आप नोट कर लीजिए, 1969 में जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, अलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 14 बैंक थे बेटा जिनको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में डाल देता कि बताइए ये बैंक है ये, इनमें से कौन सी बैंक ऐसी थी जो सेकंड फेज में नेशनलाइज हुई, इसमें कौन सी फर्स्ट फेज में हुई, तो ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। तो इसको याद रखिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, 1980 में भी इस चीज़ को दोहराया गया, इन द ईयर 1980 छः और बैंकों को नेशनलाइज किया गया, लेकिन इस बार रखा गया उसमें शर्त कि भैया जिसके पास 200 करोड़ रुपए कैपिटल है उस उन बैंकों को नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो लिखिए, इन द ईयर 1980 छः उन बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया जिसकी कुल पेड अप कैपिटल, कुल कैपिटल, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड पेड अप अगेन एंड अगेन, कुल कैपिटल 200 करोड़ से अधिक थी। तो कौन सी बेटा छह बैंकें थी, उनके नाम लिख लीजिए फटाफट आप, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड लास्ट न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अब नाउ न्यू बैंक ऑफ इंडिया के ब्रैकेट में एक चीज लिख लीजिएगा कि इन द ईयर 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज्ड विद पीएनबी, इन द 1993 में इससे पीएनबी के साथ में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, किसको, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है बेटा, तो ये जो बैंकें थी, ये बैंकें थी जिनमें जिनको की राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, तो बैंकें राष्ट्रीयकृत हो गई और कहानी अच्छी तरह चलने लगी, सब बढ़िया चलने लगा, बढ़िया चलने लगा। लेकिन हमने 1991 में भारत में बहुत बड़े बड़े सुधार होते हैं, इन द ईयर 1991 वी हैव टेकन अ लार्ज स्टेप, अ लॉन्ग स्टेप, अ बिग स्टेप टू रिफॉर्म आवर इकोनॉमी। मनमोहन सरकार, मनमोहन सिंह जब हमारे वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो हमने एलपीजी रिफॉर्म किए, एलपीजी में एल इज फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में हम बात फिर कभी करेंगे। तो इन रिफॉर्म के अंतर्गत क्या किया गया कि बेटा चीजों को प्राइवेट करने की बात भी होने लगी, भैया कि ठीक है प्राइवेट जो है चीजों को करो सो दैट कंपटीशन बढ़े और चीजें थोड़ी इंप्रूव हो। तो बैंकों को भी प्राइवेट करने की बात हुई, तो चलो भाई प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देते हैं। अब आरबीआई सारे बैंकों के हेड है साहब, तो आरबीआई के लिस्ट जो है उसमें सारी सरकारी बैंकों के नाम लिखे हुए थे, एसबीआई है, पीएनबी, सारी बैंकों के नाम लिखे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि सर ऐसा है कि अब चलो कुछ प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस देंगे, तो लाइसेंस कैसे देने हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है और किन बैंकों को लाइसेंस देने हैं, तो उसके लिए उन्होंने कमिटी बनाई। एक आदमी थे जिनका नाम था एम नरसिम्हन, नरसिम्हन साहब जो थे ये आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके थे। तो इन द ईयर 1991 एक कमिटी बनी जिसको एम नरसिम्हन कमिटी बोलते हैं, याद रखिएगा इसका नाम, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। एम नरसिम्हन साहब ने क्या बोला, एम नरसिम्हन साहब ने बहुत स्टडी की और स्टडी करने के बाद में कुछ गाइडलाइंस बनाई और इनकी रिकमेंडेशन के बाद कुछ बैंकों को लाइसेंस दिए गए। 10 बैंकों को लाइसेंस मिले बेटा, कितनी, 10 बैंकों को लाइसेंस मिले। हालांकि उसमें से 4 बैंकें ऐसे भी थी जो दूसरी बैंक के साथ में बाद में मर्ज हो गई, तो आज की डेट में उसमें से 6 बनी, 6 बची। तो इनके रिकमेंडेशन पे किस किस बैंक को लाइसेंस दिए इसका नाम फटाफट लिख लीजिए। तो लिखिए, इन द ईयर 1991 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हन कमिटी 10 प्राइवेट बैंक्स वर गिवन द लाइसेंस। 1991 में एम नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 निजी बैंकों को लाइसेंस दिए गए और उन्हें आरबीआई की दूसरी अनुसूची में डाला गया, एंड देवर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, और उन्हें आरबीआई की दूसरी अनुसूची में डाला गया, एंड देवर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। बट ये क्या मतलब है, देखिए शेड्यूल का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट, आरबीआई की पहली लिस्ट में सरकारी बैंक है वैसे मान के चलिए, और जो दूसरी लिस्ट है उसके अंदर
ये प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंकों को इसलिए प्राइवेट बैंक नहीं कहते बेटा, इनको शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। ये जो ICICI है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, ये सब शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, नॉट दिस प्राइवेट बैंक। ठीक है जी। तो पहले 10 बैंक कौन से थे उनका फटाफट नाम लिखिए। नंबर एक ICICI, नंबर दो HDFC, नंबर तीन UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पहले इसका नाम हुआ करता था। इसके ब्रैकेट में UTI के ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, इन द ईयर 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया UTI का। चौथा नंबर लिखिए IDBI, पांचवा नंबर लिखिए इंडस इंड, ऐसे लिखिएगा INDUS, इंडस इंड। छठवां नंबर लिखिए DCB। ये छह बैंक वो हैं बेटा जो आज भी चल रही हैं। इसके अलावा चार बैंक और थी, वो मर्ज हो गई अलग अलग बैंक्स में, उनके नाम भी लिख लीजिए। टाइम्स बैंक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मर्ज्ड विद HDFC, टाइम्स बैंक मर्ज्ड विद HDFC। दूसरा लिखिए ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ब्रैकेट में लिखिएगा मर्ज्ड विद OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तीसरा लिखिए बैंक ऑफ पंजाब, ब्रैकेट में लिखिए मर्ज्ड विद सेंचुरियन बैंक में विलय हो गया। बैंक ऑफ पंजाब का विलय किसमें हो गया? सेंचुरियन बैंक में हो गया। और लास्ट लिखिए सेंचुरियन बैंक और ब्रैकेट में लिखिए मर्ज्ड विद HDFC। तो आप कह सकते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब सेंचुरियन बैंक में मर्ज हुआ, सेंचुरियन बैंक फिर HDFC मर्ज हो गया, और उधर टाइम्स बैंक भी HDFC मर्ज हो गया। तो इन चार में से तीन बैंक एक्चुअली HDFC में चली गई, और एक बैंक जो थी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने उसको मर्ज कर लिया। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से 10 बैंक थे जिसमें से छह आज भी आर स्टिल इन वो काम कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कुछ समय बाद सरकार को फिर लगा कि भाई चलो फिर कुछ बैंकों को लाइसेंस दिए गए। जब फिर कुछ बैंकों को लाइसेंस दिए जाएंगे तो उसके लिए फिर एक कमेटी बनानी पड़ेगी। तो फिर कमेटी बनी, इस बार समिति बनी 1998 में, फिर से इनको बुला लिया गया। तो इट वॉज एम नरसिम्हन कमिटी पार्ट टू, इट वॉज पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो ये दोनों बार कमेटी के जो अध्यक्ष थे, तो कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, वॉज एम नरसिम्हन, हु वॉज एक्स RBI गवर्नर। तो इन्होंने फिर रिकमेंडेशन दी, और इन द ईयर 2003-04 एक रिकमेंडेशन पर काम किया गया, और इस बार दो नई बैंकों को लाइसेंस मिला था। और दो नई प्राइवेट बैंक जिनको लाइसेंस मिला, देवर यस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, इनको लाइसेंस मिल गया सर। ठीक है जी। तो ये जो है वो शेड्यूल्ड बैंकों को लाइसेंस यहां पर मिल गया। कुछ समय बाद सरकार को लगा भैया कुछ और बैंकों को भी लाइसेंस देना चाहिए, और तो उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने एक नई कमेटी बनाई इन द ईयर 2013। ये भी हैं, मेरे ख्याल से अभी जिंदा हैं ये, बट अब बुढ़े बहुत हो गए हैं तो अब काम उतना दिमाग करता नहीं होगा। तो इनको इस बार नहीं बुलाया है, तो इस बार किसी और आदमी को बुलाया 2013 में बुलाया था विमल जालान साहब को। तो एक कमेटी बनी, विमल जालान कमेटी, ही वॉज ऑल्सो XRBI। तो विमल जालान साहब ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी। ये वो समय था जब बेटा सब बड़े 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 लोगों ने भारत में बैंक खोलने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ दो लोगों को लाइसेंस मिले, किसी बड़े बड़े नाम को लाइसेंस मिले ही नहीं। दो लोग जिनको लाइसेंस मिले और जो बैंक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी शायद आपने हो सकता ना देखी हो, बट धीरे धीरे करके आप इनको देखेंगे। एक बैंक है IDFC, टीवी पर इसका एड वगैरह आने लगा है, आपने देखा होगा शायद IDFC। दूसरा बैंक है बंधन फाइनेंशियल, तो बंधन बैंक के नाम से इसको खोला गया, बंधन फाइनेंशियल एक कंपनी हुआ करती थी, उसको बंधन बैंक उसने। तो ये दो बैंक अभी लेटेस्ट जो आप कह सकते हैं खोले हैं, वो दो नए बैंक हैं। इसके अलावा एक और संस्था के बारे में विमल जालान कमेटी ने बात की, वो जो भारत का जो डाक विभाग है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट इंडिया का है, उसने भी अप्लाई किया था। इन्होंने बोला यार पोस्टल डिपार्टमेंट अगर बैंक बन जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी पहुंच हर गांव तक है बेटा, हर गांव तक इसकी पेनिट्रेशन है। तो भाई साहब अगर ये बन जाए तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है इसमें, तो मैं इसको लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसका फाइनल जो मैं डिस्क्रिप्शन है मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूं, सरकार विल डिसाइड कि इसको बैंक बनाना है या नहीं बनाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब इन द ईयर 2018 इंडियन
पोस्टल बैंक भी शुरू हो चुका है, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको बढ़ाया जा रहा है। शुरुआत में पेमेंट बैंक के तौर पे स्टार्ट हुआ था आज से कुछ समय पहले, और इस साल 2018 में इसको फुल फ्लैश बैंक शुरू कर दिया गया है। बट अगेन एज आई सेड कि इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, और जब ये फुल फ्लैश में काम करेगा बेटा तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, अगर अच्छा काम किया तो। तो ये बेटा बैंकिंग की हिस्ट्री अभी तक की है, आज तक का ये वाला इतिहास रहा है, आगे जो रहेगा तो वो फिर कभी देखेंगे, ठीक है साहब। तो जैसा मैंने कहा बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जो मैंने बताया था, किताब से पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, वीडियो देखेंगे तो भी काम चलेगा, याद करने की चीज़ है, इसमें रटना ही है आपको, समझने वाला कुछ नहीं है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ समझने वाली नहीं होती है वो एग्ज़ाम में नहीं आती, एग्जाम में के लिए भी ये सब इतना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी टॉपिक्स जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, दो बार आप देखेंगे चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। मैंने कोशिश की है कि जो आसान तरीके से आपको समझाऊं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बस वही समझाऊं, ठीक है जी। ईयर्स वगैरह याद रखिएगा, कमिटीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार।